गांजा यार दोस्तों के संग स्टार्ट किया था सिक्स क्लास से, करते करते 3 साल हो गए। घर में लड़ाइयाँ भी करने लग जाता था कभी कभार मम्मी से कि मुझे इतने पैसे चाहिए इतने पैसे चाहिए। फिर मुझे कभी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई थी मेरी, जिससे कि मैंने घर का कुछ ऐसा सामान था जो मैंने बेच दिया था उठा के। धीरे धीरे एडिक्शन में पड़ गया ना, इसके अंदर से तलब होती थी कि भारी नशा चाहिए, वो सारे नशे कम पड़ने लगे थे। तो कुछ ना कुछ मिलावट करके छिपकली वगैरह 4-5 साल हो गए यही चोरी करते हुए, मजा लग गया था इस चीज़ों में। चोरी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, घर में ही पैसे निकालता था अपने पापा पापा के, 50,000 रुपये निकाल लिए, कभी 20,000 निकाल लिए। और भी यार मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना, जो ये थी क्या कहते हैं कि मेरे अंदर ये टारगेट था कि मैं कोई नशा नहीं छोड़ता, मेरे को सारे नशे करने नहीं करने, ये देखना है कि एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन सा नशा कैसे करता है। इस जिद के अंदर, इस पागलपन के अंदर मैं अपने साइड समय खराब करता रहा। इस समय मैं दिल्ली से सटे नोएडा स्थित एक रिहैब या नशा मुक्ति केंद्र में हूँ। जहाँ इस समय 17 एडिक्ट्स हैं, ज़्यादातर एडिक्ट्स नशे के शिकार हैं, लेकिन इनमें सेक्स एडिक्ट और एंगर एडिक्ट्स भी हैं। इनका इंटरव्यू भी हमने किया है जो आप इस डॉक्यूमेंट्री के अंत में देख सकते हैं। इन एडिक्ट्स में ज़्यादातर बेहद युवा हैं और नशे से छुटकारा पाने के लिए महीनों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ मौजूद सभी एडिक्ट्स में 14 वर्षीय विवेक सबसे कम उम्र का है, जो 11 साल की उम्र से गांजा और चरस पी रहा है। वह साइकिल के पंचर चिपकाने वाले सुलोचन को भी पीता था। यार दोस्त तो पिताजी क्या करते हैं? अच्छा, तो स्कूल वगैरह जाते हुए लड़कों के साथ पीते थे बीड़ी सिगरेट है? जी। फिर गांजा कैसे हो गया शुरू? बीड़ी सिगरेट पीते पीते ऐसे एक दिन यार दोस्त ने कह दिया इसमें मज़ा नहीं आता, इसे लगा देते। अच्छा, और ये मिलता कहाँ से था? मिलता ब्लैक में बेचते हैं। अच्छा, जब वो लगाया उसे पहली बार तो मजा आया, ज़्यादा मजा आया, फिर रेगुलर पीने लगे। तो गांजे के अलावा और कुछ भी ट्राई किया? क्या क्या ये क्या होता है? जो पंचर बनती है, जो जो टायर पंचर होता है ना, टायर पंचर जिससे चिपकाते हैं, जिससे लकड़ी चिपकाते हैं। अच्छा, इंसुलेट। तो ये मतलब 3 साल तक लेते रहे, तो फिर घर वालों को लगा कि यहाँ लाया जाए। गांजा यार दोस्तों के संग स्टार्ट किया था सिक्स क्लास से, करते करते 3 साल हो गए। गांजे के साथ साथ और भी नशे स्टार्ट कर दिए थे, जैसे सुलोचन हो गया और भी नशे हैं, सुलोचन हो गया और चरस हो गया, ये सब स्टार्ट कर दिया था। घर वालों ने बहुत समझाया, मारा पीटा, फिर भी नहीं मारा माना मैं। मेरे को फिर यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे आके मैं बहुत ठीक हूँ, अब पहले से बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। नशा करने वाले ज़्यादातर युवाओं की कहानी लगभग एक सी है, सभी कम उम्र में गलत संगत के कारण नशे की चपेट में आए। यार दोस्तों के साथ सिगरेट बीड़ी या बियर से शुरू हुई नशे की आदत गांजा चरस से होते हुए स्मैक हीरोइन और LSD तक कब पहुंच गई उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें तब पता चला जब उनका शरीर और मन उनके नियंत्रण से बाहर जा चुका था। 11 से 17 साल की उम्र वो उम्र है जब नशे की लत में पड़ने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। 23 साल का विवेक मल्टी ड्रग यूजर है और पिछले 10 साल से ज्यादा समय से नशा कर रहा है। घरों में सफेदी करना उसका काम रहा है, लेकिन नशे की लत ने उसे बर्बाद कर दिया। एक समय ऐसा आया जब कोई नशा उसे पूरा ही नहीं पड़ता था, तब अधिक नशे के लिए उसने छिपकली की पूंछ तक का सेवन करना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे एडिक्शन में पड़ गया ना, इसके अंदर से तलब होती थी कि भारी नशा चाहिए, वो सारे नशे कम पड़ने लगे थे, तो कुछ ना कुछ मिलावट करके छिपकली की पूंछ वगैरह, ये छिपकली की पूंछ भी वो कैसे करते थे? छिपकली मार के सुखा के उसके पूंछ को पीस के सिगरेट में भी पी सकते हैं, इंजेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एक्सपेरिमेंट करता रहता था। अच्छा, तो ऐसा क्या लगता था कि और नशा पूरा नहीं पड़ता था, जो मज़ा पहली बार में आया था वो मज़ा ही नहीं आ रहा था इस मारे। रिहैब में मौजूद एक और युवा मनीष की कहानी थोड़ी अलग है। वो ग्रेजुएट है तथा डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर है जो एयरपोर्ट पर जॉब करता था। शराब से शुरू हुआ उसका नशे का सफर स्मैक तक पहुंचा और फिर रिहैब तक। अब यहाँ आए हुए कितना, 2-3 महीने हो गए? हाँ जी, 2 महीने से ऊपर हो गए। तो फर्स्ट टाइम कब लिया था और क्या लिया था? फर्स्ट टाइम तो मैंने 2016 में मैंने दारू स्टार्ट करी थी अल्कोहल से। मैं एयरपोर्ट में जॉब करता था तो मेरे दोस्त यार थे, हम हफ्ते में 2 छुट्टियां रहती थी मेरी, थर्सडे फ्राइडे, तो मैं उसी दिन दारू पीता था 2 दिन बैठ के। मेरा एक अच्छा दोस्त था, बहुत मतलब खास था, मेरी क्लासमेट था, तो उसने किसी को सूखे नशे पे लगा दिया, वो गांजा वगैरह पीने लग गया था। तो ऐसी स्टार्टिंग से उसने मुझे गांजे के 2-3 कश लगवाए। गांजे के कश लगाने के बाद मुझे अच्छा लगा कि ये तो दारू से भी अच्छी है, इसमें ना कोई बदबू आती, ना कुछ होता, ना लड़ाई झगड़े होते, दारू में तो बदबू भी आती है, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो मैंने गांजे के कश मारने चालू कर दिए। फिर गांजे से धीरे धीरे मुझे कुछ होने नहीं लगा, मेरे को ऐसा लगा कि गांजा एक कूड़ा है, कुछ भी नहीं है, ये नशा नहीं कर रहा। बट मेरे को सूखा नशा अच्छा लगने लग गया था, मैंने वो गीला नशा छोड़ दिया था। फिर एक दिन एक लड़के ने पेपर के अंदर स्मैक डाली और वो पेपर पी रहा था गांजे वाले, तो उसने मैंने 2 कश मांगे तो उसमें 2 पफ में बहुत अलग ही उसका वो आया फ्लो और सर अलग घूमा। तो मैंने उसको पूछा ये गांजा किस तरीके का है, इसमें तो बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है। उसने बोला इसके अंदर स्मैक मिली हुई है। मैंने भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे नशा भी हो रहा है, और कितने की आती है? मैंने उससे पूछा, कह रहा उसने 300 रुपये की आती है। मैंने उसको बोला, उस टाइम पैसे जॉब करता था, पैसे की कमी नहीं थी, डेली मैं कम से कम 1-1 ग्राम से ऊपर पी जाता था, लेके आ जाता, खुद ही पीता था, खुद ही बनाता था। रिहैब में इनकी दिनचर्या योग से शुरू होती है और फिर दिन भर काउंसलिंग सेशन आदि। मन बहलाने के लिए ये कुछ इंडोर गेम्स भी खेलते हैं। रिहैब में अपना काम तो ये स्वयं करते ही हैं, रिहैब के सभी काम यही करते हैं जिससे ये सारा दिन व्यस्त रहें। इन लोगों से बात करके जो खास बात समझ में आती है वो ये कि एक बार रिहैब में आकर रहने से नशे की लत नहीं छूटती। अधिकतर युवा दूसरी या तीसरी बार यहाँ आए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो सालों से यहाँ आना जाना कर रहे हैं। जब उन्हें लगता है वो थोड़ा ठीक है वो बाहर जाते हैं, बाहर जाके वो फिर से नशा करते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं। तो फिर दोबारा जब यहाँ से गए तो फिर कैसे शुरू हो गया? काफ़ी टाइम तो सही रहा था, फिर फ्रेंड सर्कल वही है, धीरे धीरे चला गया। और अब जो सोच रखा छोड़ दूंगा, तो फ्रेंड सर्कल तो अब भी वही रहे, तो वहाँ नहीं जाऊँगा ना। मैं इस बार गया था फिर मैं वापस आ गया, भाई ने भेजा था होम विजिट पे, तो मुझे लगा खतरा है अभी, फिर मैं वापस आ गया। अच्छा, सुधरने का मन है। तो अभी कितने टाइम तक रहोगे यार ऐसा मान के? जब तक भाई ना बोल दें, गुरुजी ना बोल दें हमारे, तो ठीक है, चला जाए। और कोई जॉब वगैरह भी करते थे इस बीच? पैसे कैसे आते थे? मैं पेंटर हूँ प्रोफेशनल से। कहाँ पेंटिंग वगैरह करता हूँ? ठेके लेता हूँ, मतलब रोड वो जो दीवारों वगैरह पे जो होती हैं घर। अच्छा, मतलब पेंटर मतलब जो वो सफ़ेदी होती है? हाँ, सफ़ेदी। मेरा सेकंड टाइम है इसी रिहैब में। इसी रिहैब में सेकंड टाइम है? फर्स्ट टाइम कब आए थे? फर्स्ट टाइम मैं पिछले दिसंबर में आया था, 2021 में आया था। और कब तक रहे? उस टाइम 4 महीने रहा था। और फिर चले गए जी। और फिर जाके क्या करा? जाके मैं 4 महीने क्लीन रहा था, 2-3 महीने क्लीन रहा था, कुछ नशा करने का मन में नहीं आता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने रूम में लेटा हुआ था, तो ऐसे ही फ़ोन चलाते चलाते नशे का कुछ ऐसा आ गई थी इमेज वगैरह सामने, जो मुझे देख के ऐसा लगा कि बहुत टाइम हो गया, आज एक दिन कर ही लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। तो मैंने एक दिन शाम को कर लिया वो जो मैं नशा करता था, स्मैक वगैरह लेता था मैंने डेली जाके। फिर मैंने एक दिन लेने के बाद मुझे लगा कि अगर मैंने इसको कंटिन्यूसली रखा तो मेरे साथ सिकनेस चालू हो जाएगी, और सिकनेस बहुत दिक्कत देती है उस टाइम पर। सिकनेस होते टाइम तो नींद भी
आती और रात को बेड से बहुत दिक्कत होती है, तो मुझे उस चीज़ का डर था कि सिकनेस वगैरह चालू हो जाएगी तो मैं फिर कैसे रह पाऊँगा, मेरे घर में पता लग जाएगी दोबारा नशा करने लग गया मैं। तो मैंने उसको एक दिन करने के बाद 4-5 दिन का गैप रखा, मैंने सोचा कि 1-1 वीक का गैप रखूँगा तो मेरे को ज़्यादा सिकनेस भी नहीं होगी और मैं नशा कंटिन्यूसली रखता रहूँगा अपना। तो मैं एक हफ्ते बाद लेने लग गया, मेरी हैबिट बढ़ती गई, एक उससे लेने की जगह मैं 2-3 लेने लग गया। फिर 2-3 के साथ साथ मैं दारू भी पीने लग गया, बियर भी पीने लग गया, कभी कभार क्लब वगैरह जाता था वहाँ पर बहुत ज़्यादा पी लेता था। फिर डेली ऐसा हुआ मेरे साथ कि डेली मैं 5-6 के बाद मुझे ऐसा लगता था कि सुबह उठते ही यार मेरे को पी लेनी चाहिए, मेरा मन करने मैं अपना भी चला जाता था, कोई मेरे को बोलता नहीं था, पैसे भी रहते थे, घर में लड़ाइयाँ भी करने लग जाता था कभी कभार मम्मी से कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ज़बरदस्ती पैसे लेके मैं चला जाता था अपनी स्कूटी वगैरह उठा के और लेके आ जाता था और पीता था। उस चक्कर में फिर मुझे कभी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई थी मेरी, जिससे कि मैंने घर का कुछ ऐसा सामान था जो मैंने बेच दिया था उठा के। फिर मेरे घर वालों को दोबारा पता लगा कि ये उसी लाइन पर जा रहा है जिस लाइन पर पहले था, तो उन्होंने दोबारा फिर मेरा पिकअप करा दिया, मुझे यहाँ पर भेज दिया। समर्पण दोनों मिली हुई चीज़ें जी होगी जब भी समर्पण हो पाया था। लेकिन रिहैब के सेंटर हेड यश से हमें कुछ आशा भी बनती है, जिसने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और लंबे समय तक रिहैब में आने जाने के बाद नशे से पूर्ण रूप से मुक्ति पाई और आज वो यहाँ सेंटर हेड के पद पर कार्यरत है। हमारी 7 ब्रांच है NCR के अंदर, ये नोएडा की ब्रांच में ऑपरेट करता हूँ, ठीक है। आप ब्लेम नहीं करेंगे, जैसे ये पेशेंट है अंदर सब कुछ है, मैं भी इन्हीं की तरह पहले नशेड़ी था, एक ड्रग एडिक्ट था, मतलब एक नशे की पीड़िता से गुजर रहा था। किसी ने मेरे घर पे सेंटर का मैसेज दिया, मेरे घर वालों ने फिर मुझे एडमिट कराया, फिर निकाला, फिर भी नशा नहीं छोड़ा मैंने, फिर दोबारा एडमिट कराया, फिर निकाला, यही सफ़र काफ़ी टाइम तक चलता रहा। इन सफ़र चलते चलते कई कठिनाइयाँ आई जीवन में मेरे, उसको धीरे धीरे सॉल्व किया, उसके बाद में अब मैंने नशा छोड़ रखा है, इसी काम के अंदर इन्हीं चीज़ों में टाइम वेस्ट करता हूँ और यहीं सेवा करता हूँ। ये कि 10-11-12 साल की उम्र होगी, उस टाइम मेरी नशे की शुरुआत हो गई थी। मैं बीड़ी सिगरेट पीने लगता चोरी चुपके, तो हमारी मेजोरिटी थोड़ा सर्किल लोकेशन ऐसी है, एरिया ऐसा है, वहाँ पे लोग बागों के साथ में क्या कहते हैं, एक बार गांजा पीने लग गया सिगरेट के अंदर, किसी ने गांजा भर के चुपचाप पिला दिया। उसके बाद में धीरे धीरे चलते चलते और लोग स्मैक पीते थे, स्मैक पीने के बाद में हीरोइन भी धीरे धीरे स्टेज बाई स्टेज में बढ़ता रहा। तो आगे अगर मौका लगेगा तो फिर पियोगे या आप नहीं पियोगे? आगे तो नहीं पीऊँगा। तो आगे आप कैसे अपना फ्यूचर देखते हो कि समाज में एक्सेप्टेंस मिलेगा और दोबारा नशा नहीं होगा? हाँ जी, जहाँ तक है 80% कोशिश तो मेरी यही है कि मेरे को एक्सेप्टेंस मिले, क्योंकि मैं ये नशे के साथ साथ में ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ही एक रोड पर पड़ने वाले से भी ज़्यादा बदतर हालत हो गई थी मेरी। मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, मेरे शुरू से घर में कोई ऐसा नहीं है, मेरे पापा भी बोलते हैं कि पूरे ख़ानदान के अंदर एक तो ही है जो ऐसा नशा करता है और तूने अपनी हालत ऐसी कर दी है। नहीं तो मेरे घर में बहुत इज्जत है मेरे घर वालों की, पापा की एरिया में बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको, मेरी वजह से उनको बहुत सुननी पड़ी थी। इसी चीज़ से शेमलेस होता हूँ आज, गिल्ट होता है बहुत अंदर ही अंदर, गुस्सा भी आती है कभी कभार, और यही चाहता हूँ बस आगे जाके अब यही करूँ कि ये नशा हटा दूँ। तो लगता है समाज एक्सेप्ट करेगा पहले की तरह जैसे नशा नहीं करते? अब जब सर देखो, मैं नशा नहीं करता था ना तो सब जानते कि ये नशा नहीं करता, और जब मैंने नशा करना चालू किया घर घर जाके नहीं बताया कि मैं नशा कर रहा हूँ, जैसे उन्हें पता चल गया ना ये नशा कर रहा है। और ऐसे ही जब मैं नशा छोड़ूंगा ना तो घर घर जाके मुझे बताने की जरूरत नहीं है मैंने नशा छोड़ दिया, मैं सुन लिया। धीरे धीरे मेरे व्यवहार देख के और मेरे कामों को देख के लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये सुन लिया, तो मुझे किसी को बताने की और जताने की जरूरत नहीं, अपने आप समाज एक्सेप्ट कर लेगा। रिहैब के नाम से हमें लगता है यहाँ केवल नशे से मुक्ति के लिए ही लोग आते हैं, लेकिन यश नाम के एक और किशोर को नशे की नहीं सेक्स की लत है, जो ना केवल डेली सेक्स करता था बल्कि 2-3 पार्टनर के साथ करता था। अपनी गलत आदतों को पूरा करने के लिए उसने चोरी भी शुरू कर दी। बोलो तो बताओ कितने टाइम से ये सब नशा कर रहे हो, कैसे आदत लग गई? नशा नहीं करता लेकिन 4-5 साल हो गए यही चोरी करते हुए,
मजा आने लग गया था इस चीज़ों में। चोरी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, घर में ही पैसे निकालता था अपने पापा पापा के, कहीं 50,000 रुपये निकाल लिए, कहीं 20,000 निकाल लिए, कभी कितने निकाल लिए, कभी कितने निकाल लिए। फैक्ट्री है कॉपर की अपनी पापा की, तो उसमें से माल था कॉपर का माल, वो बेच दिया इस बार, बहुत माल बेच दिया, तो उठा उठा के वहाँ से पैसों के लिए। तो बस इस वजह से घर वाले परेशान हैं। मज़ा आने लग गया था इन चीज़ों में, सेक्स करने में। अच्छा, नशा बिल्कुल नहीं करते? नशा कोई सा कोई सा नशा नहीं करते। अच्छा, ये दूसरे एडिक्शन है जैसे चोरी वगैरह करना और सेक्स, कैसे करते हो ये देख के बोलो। मेरा मतलब कि गर्लफ्रेंड के साथ या प्रोस्टिट्यूट के साथ, किस तरह? लड़की के साथ, जैसे मतलब पैसों में। पैसों से करते थे? कितना सेक्स करते थे? एक दिन में 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। अलग अलग लड़कियों के साथ? अलग अलग होटलों में, कहीं किसी में किसी। डेली करते थे? डेली याद पड़ चुकी थी इस चीज़ की। उससे तुमको बहुत कमजोरी नहीं लगती थी? कमजोरी लगती थी। घर वालों को कैसे पता चली ये बातें? घर वालों को भाई भाई पीछे करने लग गए थे मेरा, जब जाकर पता चली थी भाई भाई को सबको, क्या ऐसे 2 यार दोस्तों को मार पीट से पूछा घर वालों ने क्या करता है क्या नहीं करता, तो इस वजह से जब पता चली घर वालों को ऐसा ऐसा करता है। और पैसे कहाँ से आते थे? पैसे वही घर में से, बाहर से छीनापटी कर ली किसी से, छीन लिए हथियारों से। सेक्स वगैरह लड़कियों के चक्कर में ही चोरी करते थे? हाँ, उस चीज़ों में पैसे के लिए, इसीलिए करते थे ना, घूमने के लिए, मजे लेने के लिए, इन चीज़ों के लिए। तो ये आदत कैसे लग गई? ये दोस्तों के साथ घूमते घूमते लगा, पैसे वैसे पड़े नहीं जेब में, जैसे कहीं पे बैठे हैं यार दोस्त रहती वहाँ लग गई। फर्स्ट टाइम कैसे हुआ? फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि दोस्तों में बैठा हुआ था यार दोस्तों, सब पे पैसे रहते थे, मेरे पे रहते नहीं थे इतने, घर वाले 50 रुपये दे रहे हैं, कभी 100 रुपये दे रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता था घर वाले 50-100 रुपये में, भाई बहुत कम थे मेरे लिए उस टाइम। सवाल यह है कि क्या यह वही युवा पीढ़ी है जिसके कंधों में देश की बागडोर सौंपी जानी है तथा भविष्य के भारत की बुनियाद भी इसी के जिम्मे है? हम अभी तक बात नशे और नशे की गिरफ्त में आए युवाओं की कर रहे थे, लेकिन सबसे अहम एवं जरूरी बात यह है कि शासन द्वारा जब इन नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध है, तो आखिर नशीले पदार्थ युवाओं तक पहुँच कैसे रहे हैं?